Abba has been able to convert this book to reach people that do not have the access to women rights. So Stree, Dasha aur Disha un logo tak pahunchegi jahan unko ye nahi samajh mein aata ki hum kiske paas jaye, kaise samjhe ki hamara haq kya hai. So which is very very important, kyunki metro city mein rehte hue hum logon ko हमारे फ्रेंड से, आबा जी जैसे लॉयर से सब पूछ भी सकते हैं, पता भी लग सकता है, लेकिन जो इंटीरियर्स हैं यूपी बिहार एमपी, यहाँ की जो औरतें हैं वो अपने घर तक सीमित रहती है. एंड फॉर देम टू बी एबल टू हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट देयर राइट्स आर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. थैंक यू सो मच. नहीं, भाग्यश्री अहाना, आप लोग का जो साथ है, क्योंकि एज लॉयर एज क्रूसेडर हम जहाँ तक पहुँचते हैं हमारी रीच लिमिटेड है, लेकिन जो स्टार्स शायद आप जो चीज़ बोलेंगी, जो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताएंगी, उनको ज़रूर याद रहेगा कि भाग्यश्री ये कह रही थी. तो मैं चाहूँगी कि इस स्त्री दशा और दिशा में जो कानून के बारे में चीज़ें बताई गई हैं आप लोगों को बताएं और उनको अपने अधिकारों का के बारे में बताएं, ताकि जो क्राइम महिलाओं के प्रति बढ़ रहा है, छोटे बच्चियों के प्रति जो केस रेप केसेस हो रहे हैं, मोलेस्टेशन हो रहे हैं, उन पर रोक लग सके. और यही मेरी मिशन थी स्त्री दशा और दिशा लाने की, रण समर को सेटअप करने की, कि मैं महिलाओं को बच्चियों को न्याय दिला सकूँ और उनको सेफ्टी जो शायद पुलिस नहीं दे पा रही है वो मैं अपनी मेहनत से दिला सकूं. आना, आई थिंक आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं. जैसा मैंने पहले भी कहा कि किताबें छपती हैं और ज़्यादातर अंग्रेज़ी में छपती हैं. बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उन किताबों को आप उस भाषा में छपाएं जिसमें ज़्यादातर देश पढ़ता है. जब औरत गृह शोभा पढ़ सकती है तो उसके पास उतना समय होना चाहिए कि वो अपने हक और अपने अपने हक के बारे में पढ़ सकें. उनको ये पता होना चाहिए कि कानून में ऐसा क्या है उनके हक के लिए जो जिसके लिए वो खड़ी हो सकें. कभी कभी हमें पता ही नहीं होता. तो आई थिंक दैट्स व्हाट द बुक इज़ ट्राई टू से कि ये आपकी दशा है और आप इस दिशा में जा सकती हैं. तो आई थिंक आभा आंटी ने बहुत अच्छी तरह से इस बुक में बहुत सहज तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत सरल शब्दों में, क्योंकि यूजुअली जब आप कानून के बारे में सुनते हैं तो आप सोचते हैं कि ओ अब ये मुझे समझ में नहीं आने वाला है, ये आईपीएल तो मेरे दिमाग से मतलब ऊपर ही जाने वाला है. बट आई थिंक बहुत सरल शब्दों में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि ये भाई आपका हक है और आप इस हक पर लड़ सकती हैं अपने लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हक जानेंगे तभी लड़ेंगे. हाँ.